आप वर्कआउट कर रहे हो, मतलब हैवी वर्कआउट्स कर रहे हो तो ही आपको प्रोटीन लेना है। अगर आप वर्कआउट्स नहीं कर रहे हो, जिम नहीं जाते हो, तो प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं लेना चाहिए, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो या फिर आप सिर्फ घर में बैठते हो सुबह से रात तक भी, तो भी आपको प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। बिकॉज अब आपको पता है प्रोटीन के फंक्शंस क्या है, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं बॉडी में, अदर देन मसल ग्रोथ। वो हॉर्मोन्स में यूज होता है, एंजाइम्स उससे बने हैं, आपके बाल उससे बने, स्किन उससे बना है, कोलाजन उससे बना है, ऑर्गन टिश्यूज उससे बने हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज है आपके इसमें, वो भी प्रोटीन से ही बने हैं। तो इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अ सिडेंटरी पर्सन ऑल्सो शुड हैव मिनिमम 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन, उसको जरूरी है नॉर्मल रहने के लिए। और जब आप वर्कआउट करने लगते हो तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन इंटेक बढ़ना चाहिए, बिकॉज उतना आपको मतलब प्रोटीन की जरूरत होगी मसल रिपेयर के लिए, टिश्यू ग्रोथ के लिए। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो भी प्रोटीन लेना जरूरी है, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, दिन भर खाली बैठते हो, तो भी आपको प्रोटीन की जरूरत है। नेक्स्ट मिथ इज कि डस वे प्रोटीन कॉज हेयर फॉल, क्या प्रोटीन खाने से बाल झड़ने लगते हैं? द आंसर इज अ बिग नो, बिकॉज अगेन योर हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो आप प्रोटीन खाने से हेयर फॉल कैसे हो सकता है? जब आप प्रोटीन खाओगे तो हेयर स्ट्रांग होने लगता है, बिकॉज योर हेयर गेट्स वॉट इट नीड्स, दैट इज प्रोटीन। आप वे प्रोटीन खाने से डरते हो और जाके सैलून में केराटिन ट्रीटमेंट कराते हो। केराटिन इज अगेन अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन ओनली, दैट इज हेयर प्रोटीन, जिससे बाल स्ट्रांग होने लगते हैं। नाउ आप लोग बोलेंगे कि मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, मैंने वे प्रोटीन खाना शुरू कर दिया और हेयर फॉल शुरू हो गया, तो उसके पीछे भी एक रीजन है, देयर इज अ कोरिलेशन, व्हाई, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो आप देखोगे कि जो जिम जाते हैं वही वे प्रोटीन पीते हैं, लेते हैं। आप नहीं देखोगे इंडिया में जो जिम नहीं जाते, जो वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेते, बट जो जिम जाते हैं 90% ऑफ देम उनके ट्रेनर बोलते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं कि वे प्रोटीन ले लो, तो वो जो जिम जाते हैं वो कंपल्सरीली वे प्रोटीन लेते हैं। तो हेयर फॉल क्यों होता है? तो आपको लगता है कि वे प्रोटीन इज कॉजिंग दैट हेयर फॉल, बट द रीजन इज जिम जाने से देर इज एक्सेसिव स्वेटिंग। तो स्वेटिंग एक मेजर रीजन है बिकॉज ऑफ हेयर फॉल। सेकेंड रीजन है बिकॉज ऑफ एलोपेशिया, एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, दैट इज आपके जो हेरिडेटरी में, अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, अगर कोई बॉल्ड है, बॉल्ड होने लगते हैं आफ्टर 30, आफ्टर 40, ओके, अगर वही सेम जीन्स आप में पास ऑन हुआ है, दैट यू आर ऑल्सो प्रोन टू दैट, कि आपके भी बाल जल्दी झड़ जाएंगे। ओके, सो वॉट एवर, इफ यू ईट प्रोटीन, डोंट ईट प्रोटीन, आपके बाल झड़ेंगे ही बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर, दैट इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, वो जब डीएचटी में कन्वर्ट होता है, अगर डीएचटी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है वो, तो इधर स्कैल्प के पास हमारे रिसेप्टर्स होते हैं डीएचटी के, अगर वो डीएचटी रिसेप्टर को अगर आपके स्कैल्प में ज्यादा है तो हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा प्रोटीन खाने से आप डिले कर सकते हो, अच्छा ट्रीटमेंट लेने से आप डिले कर सकते हो, बट रोक नहीं सकते। एंड जिम जाने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली कन्वर्जन इनटू डीएचटी आल्सो इंक्रीजेस, एंड दैट इज द रीजन आपको हेयर फॉल होने लगता है। बट इट इज नो वेयर कंसर्न टू वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, उल्टा वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन खाने से वो डिले कर देगा प्रोसेस ऑफ हेयर फॉल, वो स्ट्रांग कर देगा आपके बालों को। कमिंग टू द नेक्स्ट मिथ, बहुत लोगों को ये बोलते वक्त आप सुनोगे कि मैं वेजिटेरियन हूं लेकिन मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट, मेरा प्रोटीन मिल जाता है मुझे खाने से, मैं दाल्स खाता हूँ या खाती हूँ, मैं ग्रेन्स खाती हूँ, मैं स्प्राउट्स खाती हूँ, मैं पीस खाती हूँ, और उससे मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। सो इज दैट ट्रू कि दाल्स पल्सेस ये खाने से आपका प्रोटीन मिल जाएगा आपके बॉडी में? क्या वेजिटेरियंस को बराबर से प्रोटीन मिलता है? तो द फैक्ट इज, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या होता है, सेकंड क्लास प्रोटीन क्या होता है, तो आपको अभी पता है कि जो प्लांट से डिराइव प्रोटीन है, दाल्स में भी जो प्रोटीन पाया जाता है, वो सेकंड क्लास प्रोटीन है, और जो फर्स्ट क्लास, अभी मैंने ये भी बताया कि एक दाल में लाइसिन कम है, राइस में मिथियोनिन कम है, तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि मैं दोनों मिक्स करके
खाती हूँ या खाता हूँ और मेरा फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स पूरा हो जाता है, विच इज कंप्लीटली अग्रीड। बट प्रॉब्लम क्या है मैं आप बताऊंगा। तो प्रॉब्लम ये है, समझिए आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है अराउंड 100 ग्राम्स, फर्स्ट क्लास प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एग से लोगे तो आपको अराउंड 6, 10, 15 एग्स आपको खाने पड़ेंगे, 16 एग्स 100 ग्राम प्रोटीन पाने के लिए। चिकन आपको 500 ग्राम चिकन खाना पड़ेगा टू गेट 100 ग्राम प्रोटीन। बट अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये नहीं, मैं नॉन वेज से लूंगी या लूंगा तो राइस और दाल से लूंगी मैं। तो उसमें क्या होता है कि दाल में अराउंड 100 ग्राम्स दाल में अराउंड 10 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, एंड जो राइस है वो 100 ग्राम राइस में अराउंड हार्डली 2 to 4 ग्राम प्रोटीन है। तो अगर आपको 100 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है तो आपको राइस और दाल मिला के अराउंड 400 ग्राम ऑफ दाल खाना पड़ेगा, 400 ग्राम दाल खाना पड़ेगा और अराउंड 500 ग्राम ऑफ राइस खाना पड़ेगा। मैं अप्रोक्सीमेट फिगर्स बोल रहा हूँ। तो उससे आपको 100 ग्राम मिल जाएगा प्रोटीन, बट आप देखिए 800 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो आप, तो आपके बॉडी में अराउंड 600 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में जा रहे हैं, ग्लूकोज जा रहा है आपके बॉडी में, शुगर्स जा रहे हैं आपके बॉडी में 600 ग्राम्स। तब डिसएडवांटेज है प्रोटीन आपको मिल रहा है, वो भी कम क्वालिटी का प्रोटीन मिल रहा है, बट द थिंग इज प्रोटीन सिंथेसिस होने, मतलब जो प्रोटीन का काम है वो होने से ज्यादा लिपोजेनेसिस हो जाएगा, मतलब बॉडी फैट बढ़ जाएगा, बिकॉज 600 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज आप डाल रहे हो बॉडी में टू गेट 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन। वेर एज नॉनवेज से या फिर डेयरी प्रोडक्ट से आप प्रोटीन लोगे तो फिर आपको सिर्फ 500 ग्राम ऑफ चिकन खाना पड़ेगा पूरे दिन में, वे प्रोटीन से लोगे तो 4 स्कूप प्रोटीन पीना पड़ेगा आपको पूरे दिन में, और उससे साथ ग्लूकोज नहीं आएगा, उसके साथ बाकी का कुछ नहीं आएगा जो फैट बढ़ा देगा आपकी बॉडी में। एंड जो ग्रेन्स में जो प्रोटीन होता है वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता आपके बॉडी में, बिकॉज उसमें जो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी गट में अब्सॉर्प्शन डिक्रीज कर देता है, बिकॉज ऑफ फाइबर, अगेन फाइबर फाइबर अब्सॉर्प्शन डिक्रीज कर देता है, एंटी न्यूट्रिएंट जैसे कि फाइटेट्स ऑक्सीलेट्स वो प्रोटीन का अब्सॉर्प्शन कम कर देता है, जो मिनरल्स है कैल्शियम मिनरल्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड ऑल, उसका भी अब्सॉर्प्शन कम कर देता है और वो फ्लश आउट कर देगा या फिर किडनी स्टोन्स फॉर्म कर देगा। सो द थिंग इज आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द मिथ्स रिलेटेड टू प्रोटीन। अब आपको पता है कि प्रोटीन इज नॉट अ विलन, प्रोटीन इज द हीरो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन से ही आपको जो है एवरी फंक्शन, मेजर फंक्शंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली, आर बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन से ना किडनी डैमेज होता है, प्रोटीन से ना यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोटीन से ना हेयर लॉस होता है, उल्टा प्रोटीन से आपका स्किन अच्छा होने लगेगा, आपके आपका कोलाजन अच्छा होने लगेगा जो स्किन को टाइट रखता है। ओके, जो बूढ़े लोग हैं उनके स्किन क्यों सैग होने लगता है, बिकॉज कोलाजन लॉस होने लगता है जैसे 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 एज बढ़ता है हमारे, उसके वजह से स्किन श्रिंक होने लगता है, मतलब लूज पड़ने लगता है। Whereas, when you have protein, collagen also is a form of protein only. तो collagen बहुत अच्छे से maintain रहता है and skin sagging जल्दी नहीं होगा। Protein से आपके muscles बहुत strong होने लगेंगे। Difference between a 80-year-old and a 18-year-old is the muscle only. Because जो 18 साल का लड़का है उसके पास muscles है movement create करने के लिए, उसको भागना है तो उसको सोचना नहीं पड़ता। But 80 साल के जो बूढ़े हैं उनके पास muscles पूरे कम हो चुके हैं because of aging. तो उनको सिर्फ अपने जगह से उठना भी है तो उनको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, किसी का सहारा लेना पड़ता है, बिकॉज जो मसल्स मूवमेंट क्रिएट करता है वो ही नहीं है उनके पास, तो मूवमेंट कैसे क्रिएट होगा। तो प्रोटीन हैज वेरी लार्ज, बहुत सारे फंक्शंस है प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स एडिक्वेटली ऐड कीजिए आपके डाइट में, आप देखोगे चेंजेस आपके मसल में, आपके परफॉर्मेंस में, आपके स्किन में, एवरीथिंग फ्रॉम योर हेयर एंड एवरीथिंग। अब और एक लास्ट पॉइंट मुझे ये करना था कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं सोया खाने से प्रोटीन मिलता है क्या, सोयाबीन खाने से प्रोटीन मिलता है, या सोया मिल्क पीने से प्रोटीन मिलता है क्या, या आपने देखा है एडवर्टाइजमेंट्स जॉन एब्राइन एंडोर्स करता है कि सो फिट और समथिंग, कि ये पीने से आपको प्रोटीन मिलेगा। बट सोया के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो सोया के ऊपर ही बना रहा हूँ, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि सोया क्या है, सोया क्यों अच्छा नहीं है, सोया प्रोटीन क्या होता है वो क्यों अच्छा नहीं है,
एंड हाउ मैन्युपुलेशन इज डन, उसमें आपको पीडीसीएज, जो अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, पीडीसीएज में सोया को 1 मार्क दिया गया है, वो कैसे दिया गया है वो भी आपको बताऊंगा, एंड सोया कितना खराब है आपके बॉडी के लिए वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज दिनेश वेरनेकर साइनिंग ऑफ।